नमस्कार दोस्तों, नीट बायोजोन 2.0 चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो जल्दी आ सके। दोस्तों, हम लोग जो है फाइलम इकाइनोडर्मेटा के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज देखेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि द नेम इकाइनोडर्मेटा वाज क्वाइंड बाई, तो फर्स्ट का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जैकॉब क्लीन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नामुक क्वेश्चन नंबर सेकेंड ए कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैव ए रेडियली सिमेट्रिकल बॉडी। सेकेंड का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्टार फिश इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नामुक क्वेश्चन नंबर थर्ड ई कह रहा है वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज फाउंड इन, थर्ड कह रहा है कि वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज फाउंड इन, तो थर्ड का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इकाइनोडर्म्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नामुक क्वेश्चन और फोर्थ ही कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स, फोर्थ का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिलेंट्रेटा इकाइनोडर्मेटा बोथ ए एंड बी, ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नामुक क्वेश्चन नंबर फिफ्थ ही कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल ग्रुप्स हैज रेडियली सिमेट्रिकल एडल्ट बट बाइलेटरली सिमेट्रिकल लार्वा, फिफ्थ का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इकाइनोडर्मेटा इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नामुक क्वेश्चन नंबर सिक्स ही कह रहा है इकाइनोडर्म सो फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, सिक्स का राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्पाइनी स्किन रेडियली सिमेट्रिकल इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नामुक क्वेश्चन नंबर सेवेंथ रेडियल सिमेट्री इज यूजुअली एक्सिबिटेड इन एनिमल्स विच, सेवेंथ का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर अटैच टू द सबस्ट्रेटम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नामुक क्वेश्चन नंबर एट ये कह रहा है कि एन एनिमल हैविंग अनसेगमेंटेड सीलोम सुपरफिशियल रेडियल सिमेट्री इन एडल्ट बट बाइलेटरल सिमेट्री इन लार्वा इज मेंबर ऑफ एट, का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इकाइनोडर्मेटा इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नामुक क्वेश्चन नंबर नाइन्थ ये कह रहा है इकाइनोडर्मेटा इज ए ग्रुप ऑफ एनिमल विच आर, यानी कि नाइन्थ का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सीलोमेट स्पाइनी एंड मैराइन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नामुक क्वेश्चन नंबर टेंथ कह रहा है कि मेट्रीपोराइट इज ए स्ट्रक्चर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सम मेंबर्स ऑफ, टेंथ का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एल्यूथीरो जो ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नामुक क्वेश्चन नंबर 11 ये कह रहा है इकाइनोडर्म पोसेस, यानी कि 11th का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एंटीरोसील इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नामुक क्वेश्चन नंबर 12 ये कह रहा है डेवलपमेंट ऑफ इकाइनोडर्म सीज, एंड 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नामुक क्वेश्चन नंबर 13 ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज ए ड्यूटेरोसोम, 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्टार फिश इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नामुक क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेट्स इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकाइनोडर्म, 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्रोकोफोर लार्वा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नामुक क्वेश्चन नंबर 15 ये कह रहा है एनिमल विद पेंटामेरस सिमेट्री, 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्टार फिश इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नामुक क्वेश्चन नंबर 16 ये कह रहा है एम्बुलेक्रल सिस्टम इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इकाइनोडर्मेटा इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नामुक क्वेश्चन नंबर 17 ये कह रहा है स्केलेटन ऑफ इकाइनोडर्म इज, 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कैलकेरियस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नामुक क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फाइलम इकाइनोडर्मेटा, 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक सीलोमेट पेंटामेरस, ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नामुक क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है डिलीट द टर्म नॉट एप्लीकेबल टू इकाइनोडर्म, 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बाइलेटरल सिमेट्री, ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नामुक क्वेश्चन नंबर 20 विच टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन अकर इन इकाइनोडर्म्स, 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नामुक क्वेश्चन नंबर 21 इन इकाइनोडर्मेटा ट्यूब फीट आर रिलेटेड विद, 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एम्बुलेक्रल सिस्टम, ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नामुक क्वेश्चन नंबर 22 ये कह रहा है द मेन फंक्शन ऑफ एम्बुलेक्रल सिस्टम इन इकाइनोडर्म्स इज, यानी कि 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सर्कुलेशन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नामुक क्वेश्चन नंबर 23 एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इन इकाइनोडर्म्स आर, 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉक्सल ग्लैंड, ग्रीन ग्लैंड, मैल्पिगियन ट्यूबल्स या
नन ऑफ दी, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 24, ये कह रहा है ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन इन इकाइनोडर्मेटा आर, यानी 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ट्यूब फीट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 25, ये कह रहा है द प्रेजेंस ऑफ ट्यूब फीट इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द फाइलम। 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इकाइनोडर्मेटा इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि 26 कह रहा है ट्यूब फीट आर कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर ऑफ, 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्टार फिश इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 27, ये कह रहा है सेडेंटरी इकाइनोडर्म्स, यानी 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी लिली इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 28, ये कह रहा है नंबर नेम ऑफ फ्रेश वाटर इकाइनोडर्म, 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नॉन ऑफ दीज, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, मतलब क्लाइपिस्टर या कुकुमेरिया या एस्टरियास और नॉन ऑफ दीज, तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 28, 9, ये कह रहा है व्हाट इज द जेनरिक नेम ऑफ फीदर स्टार, 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एंटीडान इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है एंटीडान बिलोंग टू द क्लास क्राइनोआइडिया बिकॉज, 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इज हैज कैलिक्स फॉर अटैचमेंट एंड आर्म्स बियर पिन्यूस, ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन, ये कह रहा है 31 क्वेश्चन कह रहा है कि स्टारफिश बिलोंग टू द क्लास, 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एस्टीरो आइडिया इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 32, ब्रांकियोलेरिया लार्वा इज फाउंड इन द लाइफ स्टोरी ऑफ, 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्टार फिश इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 33, द एबिलिटी ऑफ स्टार फिश टू ब्रेक ऑफ ए पार्ट ऑफ इट्स आर्म इज कॉल्ड, 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑटोटॉमी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 34, ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेनन इज शोन बाई ए स्टार फिश, 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑटोटॉमी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 35, ये कह रहा है स्टार फिश इज ए, यानी कि 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बेंथोनिक एनिमल इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 36, स्टार फिशेस आर, यानी कि 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कार्निवोरस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 37, ये कह रहा है वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर इज नॉट फाउंड इन स्टार फिश, 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पैरासिटीज इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 38, स्टार फिश इज एन एनिमी ऑफ, 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पर्ल ओयस्टर इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 39, ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ एम्बुलेक्रल सिस्टम ऑफ स्टार फिश, 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक्स करेंट कैनाल इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 40, ये कह रहा है ऑटोटॉमी इन ए स्टार फिश इज फॉलोड बाई, 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, रीजनरेशन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 41, ये कह रहा है इन विच ऑफ द एनिमल द स्टमक कम्स आउट ऑफ द बॉडी फीड्स एंड डाइजेस्ट फूड आउटसाइड द बॉडी, 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्टार फिश इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 42, मेड्रीपोराइट इज फाउंड इन, 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्टार फिश इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 43, ये कह रहा है कि ओफ्यूरो आइडिया इंक्लूड्स, 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ब्रिटल स्टार इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 44, ये कह रहा है रेस्पिरेटरी ट्री अकर्स इन, 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी कुकुम्बर, ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 45, ये कह रहा है बास्केट स्टार बिलोंग टू द क्लास, 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओफ्यूरो आइडिया इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 46, ये कह रहा है एरिस्टोटल लांटर्न्स इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकाइनोडर्म क्लास, यानी कि 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इकाइनो आइडिया इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 47, ये कह रहा है एरिस्टोटल लैंटर्न्स अकर्स इन, यानी कि 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी आर्चिन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 48, ये कह रहा है अरिस्टोटल्स लालटर्न इज यूज फॉर, 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा,
चेविंग इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 49 ये कह रहा है कि सेलेक्ट द वन विद इनकरेक्ट क्लास 49 का राइट आंसर क्या हो जाएगा होलोथ्यूर आइडिया यानी सी स्क्विड इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फीड्स अपॉन डेट्रिटस एंड प्लैंकटॉन्स 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा सी कुकुम्बर इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 51 पेडिसिलरी आर फाउंड इन यानी 51 का राइट आंसर क्या हो जाएगा इकाइनोडर्मेटा इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 52 आर्म्स आर प्रेजेंट अब्सेंट इन 52 का राइट आंसर क्या हो जाएगा सी अर्चिन सी कुकुम्बर बोथ ऑफ दीज इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 53 ये कह रहा है इन विच क्लास ऑफ इकाइनोडर्मेटा ए प्लूटस लार्वा इज फॉर्म्ड 53 का राइट आंसर क्या हो जाएगा इकाइनो आइडिया इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 54 लार्वल स्टेज ऑफ होलोथ्यूरियंस यानी 54 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा ऑरिकुलेरिया इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 55 नेम द लार्वा ऑफ स्टारफिश यानी कि 55 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बाइपिनेरिया इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 56 एम्बुलेक्रल ग्रुप्स आर अब्सेंट इन द लिविंग फॉर्म्स ऑफ द क्लास 56 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑफ फ्यूरो आइडिया इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 57 विच वन इज द कॉमन एंसेस्ट्रल लार्वल फॉर्म ऑफ इकाइनोडर्म्स हेमिकार्डेट्स एंड कार्डेट्स 57 का राइट आंसर क्या हो जाएगा डिप्लोरला ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 58 ये कह रहा है विच इज अनरिलेटेड मतलब 58 का राइट आंसर क्या हो जाएगा सी स्क्वेड इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है कि ए स्पेशल फीचर ऑफ एवी सिक्रीशन इज फाउंड इन तो 59 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा इकाइनोडर्मेटा इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 60 इकाइनोडर्म्स आर हर्टलेस ब्लाइंडलेस हेडलेस एट फ्रॉम इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू दे हैव बीन प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ द इनवर्टिब्रेट फाइला बिकॉज 60 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा प्रेजेंस ऑफ एंटेरोसील ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 61 ये कह रहा है पेंटामेरस सिमेट्री इज फाउंड इन 61 का राइट आंसर क्या हो जाएगा सी अर्चिन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 62 बॉक्स लाइक कैलकेरियस टेस्ट इज फाउंड इन यानी 62 का राइट आंसर क्या हो जाएगा सैंड डॉलर इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 63 ये कह रहा है डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोस्पोर इनटू एनस इज सीन इन 63 का राइट आंसर क्या हो जाएगा नेरीस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 64 विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स कंटेन स्पिरिडिया यानी कि 64 का राइट आंसर क्या हो जाएगा इकाइनस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 65 ये कह रहा है द नेचर ऑफ एक्सोस्केलेटन इन इकाइनोडर्मेटा इज यानी कि 65 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा कैलकेरियस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 66 ये कह रहा है एन एनिमल हैविंग अनसेगमेंटेड सिलोमेटेड एंड रेडियली सिमेट्रिकल बॉडी विद डिस्टिंक्ट ओरल एंड एबोरल सरफेस इज ए नंबर ऑफ यानी कि मेंबर ऑफ 66 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा इकाइनोडर्मेटा इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 67 ये कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर वैस्कुलर सिस्टम इज प्रेजेंट 67 का राइट आंसर क्या हो जाएगा इकाइनोडर्मेटा वनली इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 68 ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल फाइला बिलोंग टू ड्यूटेरोस्टोमिया 68 का राइट आंसर क्या हो जाएगा इकाइनोडर्मेटा इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 69 ये कह रहा है इन विच क्लास ऑफ इकाइनोडर्मेटा स्टॉक इज फाउंड फॉर अटैचमेंट विद सबस्ट्रेटम 69 का राइट आंसर क्या हो जाएगा क्राइनो आइडिया इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है कि इन विच क्लास इकाइनोडर्म बाइपिनेरिया लार्वा इज फाउंड 70 का रहा इन विच क्लास ऑफ इकाइनोडर्म बाइपिनेरिया लार्वा इज फाउंड 70 का राइट आंसर क्या हो जाएगा एस्टीरो आइडिया इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 71 ये कह रहा है विच विच फाइलम हैज
हैज नो नन ऑफ फ्रेश वाटर फॉर्म। 71 का राइट आंसर क्या है, काइनोडर्मेटा इज राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन नंबर 72। इसमें जो है लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड से मैच करना है, तो 72 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, यानी कि ए का फर्स्ट हो जाएगा, बी का सेकंड, सी का थर्ड, डी का फोर्थ। ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन नंबर 73। ये कह रहा है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। 73 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल इकाइनोडर्म्स है वाटर वैस्कुलर सिस्टम। ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन नंबर 74। द फॉर्मेशन ऑफ मीजोडर्म, मीजोडर्म एज इवेजिनेटेड सेक्स फ्रॉम द आर्किनटेरान, आर्किनटेरान इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। 74 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पेंटासिरास इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन नंबर 75। पे कह रहा है द प्लूटस लार्वा ऑफ इकाइनोडर्मेटा बिलोंग टू द क्लास। 75 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओफ्यूरो आइडिया इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन नंबर 76। ये कह रहा है डायग्नोस्टिक कैरेक्टर ऑफ द फाइलम इकाइनोडर्मेटा इज द प्रेजेंस ऑफ। 76 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्पाइनी स्किन, पेडिसिलरी, वाटर वैस्कुलर सिस्टम या ऑल ऑफ दी। तो ऑल ऑफ दी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन नंबर 77। ये 77 कह रहा है द एनिमल रिक्वायर्स एन एडल्ट सेकेंडरली रेडियल सिमेट्री व्हेन इट्स बाइलैटरली सिमेट्रिकल लार्वा अंडरगोज मेटामॉर्फोसिस। 77 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, गोर्गोसिफाइलस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन नंबर 78। ये कह रहा है कि इट कैन रीजनरेट एंटायर एलिमेंट्री कैनाल्स। 78 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी कुकुम्बर इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन नंबर 79। फाइंड द ओड एग्जाम्पल। 79 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सी फैन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन नंबर 80। ये कह रहा है द बाइलैटेरिया मेंबर द एग्जिबिट्स पेंटारेडियल सिमेट्री। 80 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, नियोमेट्रा इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन नंबर 81। 81 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी प्रॉपरली मैच। 81 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, काइनोडर्मेटा, स्टेरॉइडिया, स्टारफिश। ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन नंबर 82। 82 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सक्लूसिवली इकाइनोडर्म्स कैरेक्टर। 82 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्यूब फीट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन नंबर 83। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव एन एक्सक्रीटरी सिस्टम। 83 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एस्टरियास इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन नंबर 84। ये कह रहा है द मेंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फाइला आर एक्सक्लूसिवली मैराइन। तो 84 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इकाइनोडर्मेटा इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन नंबर 85। रीड द स्टेटमेंट रिगार्डिंग इकाइनोडर्म्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। 85 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल आर मैराइन विद ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर ऑफ दिस ऑप्शन फर्स्ट। 85 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 85 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट ए, और थर्ड इज करेक्ट ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन नंबर 86। कह रहा है दिस हैज माउथ ऑन द लोअर साइड एंड एनस ऑन द अपर साइड। 86 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 86 का राइट आंसर हो जाएगा सी अर्चिन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन नंबर 87। ये कह रहा है मैच द फॉलोइंग जेनरा विद देयर रिस्पेक्टिव फाइलम। 87 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, यानी कि ए का थर्ड हो जाएगा, बी का फोर्थ हो जाएगा, सी का फर्स्ट और डी का सेकेंड इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दोस्तों इस प्रकार फाइलम इकाइनोडर्मेटा के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज कंप्लीट हो गए। सो मेनी थैंक्स फॉर वॉचिंग नीट बायोजोन चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल। सो मेनी थैंक्स फॉर वॉचिंग।